जो रेज्यूमे होता है ना वो डिफाइन करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। ये बात बहुत सच है, क्योंकि आपका रेज्यूमे अच्छा है तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा। एक्चुअल में आखिरी में आपकी नॉलेज ही मैटर करती है, रेज्यूमे मैटर नहीं करता। बट इंटरव्यू आपका शेड्यूल होगा या नहीं होगा, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका सीवी कैसा है। अब आप इस चीज को रिलेट करके देख सकते हैं कि अगर आप किसी कंपनी, आप कंपनी के एचआर हैं या ऑनर हैं जिन्होंने जॉब पोस्ट करी है, एक वैकेंसी है या 10 वैकेंसी है, डजंट मैटर। लेट्स से आपके पास एक वैकेंसी है और आपके पास 100 CV आ गए। अब क्या आप 100 CVs को एक मतलब पूरा डिटेल में पढ़ पाएंगे, क्या उसके बेस पे सेलेक्ट करेंगे? आप क्या करेंगे कि पहले सीवी को देखेंगे, आपको जो थोड़ा सा अपीलिंग होगा, कुछ फैक्टर्स आपको आपको देखेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप 100 CV पढ़वाओ। अगर एक सीवी में भी आपके पास 5 मिनट्स लग रहे हैं, यानी 500 मिनट्स आप सिर्फ रिज्यूमे सेलेक्ट करने में नहीं दे सकते हो, इसके बाद कॉल करना, इंटरव्यू के लिए बुलाना, इंटरव्यू हेल्प करना, सारी चीजें फाइनलाइज करना, मतलब वैसे तो कंपनी क्या है, एक पोस्ट को फिल करने में भी कई महीने बिता देगी। ऐसा नहीं होता है, तो वहां पे क्या होगा कि आपके ना जो रेज्यूमे एचआर है, अगर आपके पास वो रेज्यूमे आए तो आप क्या करोगे, आप उनको फटाफट फटाफट देखते जाओगे, कुछ कुछ पॉइंट से देखोगे, जहां लगेगा कि हाँ कुछ रेलेवेंट है उसको आप डिटेल में पढ़ोगे, अदरवाइज नहीं। इसलिए आपका रेज्यूमे अट्रैक्टिव होना और बहुत अच्छे से वेल ड्राफ्ट होना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है, हो सकता है बाकी, वैसे तो जब रिकॉर्ड हो जाएगी आपको पता चल जाएगा टाइम स्टैम्प में कि टाइम, बट मेरी तरफ से क्या है, मैं पूरी डिटेल में आपको सारी चीजें शेयर कर, ठीक है, ये मेरी तरफ से कोशिश। तो यहाँ पे आज की जो सीवी है ना, इसमें मेरी कोशिश आपको क्या है कि आपको मैं पूरा अच्छे से बता चुकूँ कि किन किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले डिजाइन के ऊपर, कि आपको डिजाइन कैसा बनाना है, कैसे चीजों को ड्राफ्ट करना है, ताकि अगर कोई रेज्यूमे आपका देखना चाहे तो मुश्किल से 4 से 5 सेकंड के अंदर वो ही डिसाइड कर पाए कि हाँ इस पर्सन के रेज्यूमे में बहुत कुछ है, मुझे इसका रेज्यूमे आगे डिटेल में रीड करना है। अदरवाइज होता क्या है, आज भी इतने रेज्यूमे आते रहते हैं स्टूडेंट्स के, कई मुझे वैसे शेयर करते हैं, कई वैकेंसीज के लिए शेयर करते हैं, तो मतलब और वैसे भी पोर्टल्स पे मैं देखता रहता हूँ, स्टूडेंट्स ना आज भी इतना मतलब बोरिंग सीवी शेयर कर प्रिपेयर करते हैं, बोरिंग इन द सेंस कि एंटरटेनमेंट चीज नहीं, मतलब इतना डल और इतना बेकार सीवी बनाते हैं कि जिसको देखते मतलब करते हैं इसको तो रिजेक्ट करो, इसको सीवी बनाना ही नहीं आता है तो आगे वर्क क्या होगा, एक इमेज नेचुरली ना चाहते हुए भी माइंड में ये बन जाती है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सारी चीजों को स्टार्टिंग से बहुत अच्छे, सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ हर वीडियो में, अगर आपने कोर्स के अंदर देखे हैं या पहले से, सीवी ना आपका 1 पेज में पूरा हो जाना चाहिए, 1 पेज से ज्यादा आपके रिज्यूमे ओके। बट यहाँ पे आपको देखो, मैंने ना यहाँ पे 2 पेज बनाए, 2 पेजेस क्रिएट करे, ये तो आप अपनी बात को ही कट कर रहे हो ऐसा क्यों। देखो एक सीवी बहुत अच्छा है अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत कम है, अगर आप अभी फ्रेशर हो, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एजुकेशन ज्यादा नहीं है, आपने डिग्री करी है, तो वो सारी चीज, तो आप सिर्फ सिंगल पेज सीवी बनाओ बहुत। बट जो आपको पता है बहुत एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, बड़े बड़ी लेवल जॉब की जो पोस्ट होती है, CEO CFO हो गए, मतलब जो भी सीनियर लेवल पे हो गए, उनके पास अपना सीवी में इतना कुछ शेयर करने के लिए होता है, उनका 1 पेज पे सीवी आता ही नहीं। कैसा हो अगर आप फ्रेशर हैं और आप अपने सीवी को ऐसे ड्राफ्ट कर दें जैसे एक सीनियर लेवल पर्सन ड्राफ्ट, मतलब सामने वाले एचआर को, कंपनी को, पर्सन को ये फील भी नहीं होना चाहिए कि आपने सीवी ना जबरदस्ती 2 पेज का बनाया है, क्योंकि उसमें मैं कह रहा हूँ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आपका अगर 2 पेज पे सीवी जा रहा है तो वो फील होना चाहिए कि हाँ इसमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि ये पर्सन इसको चाह के भी 1 पेज पे नहीं ला सकता था। अगर 1 पेज पे आ सकता था और तब आपने 2 पेज पे क्रिएट कर दिया तो बहुत गलत इंप्रेशन उसका जाता है। इनफैक्ट मैंने तो ऐसा देखा है, सारा कुछ 1 पेज पे आ रहा, सिर्फ 2 लाइन सेकंड पेज पे लोगों ने, मतलब जो कैंडिडेट्स हो, सेकंड पेज पे सिर्फ 2 लाइन मेंशन करते हैं। अरे ऐसा नहीं। सेकंड टिप, आपको जो भी आप ये प्रिपेयर कर रहे हो जब उसको शेयर करोगे, कभी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में मत करना। मैं मानता हूँ 70% से ज्यादा स्टूडेंट एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट उसको शेयर करते हैं, हमेशा पीडीएफ में करो, पीडीएफ का फॉर्मेट सेम रहता है, जो आपने डिजाइन दिया है, जो चेंज करी है वो सेम रहेगी। हो सकता है आपने मुझे शेयर करा, मैं जिस मोबाइल पर ऑपरेट कर रहा हूँ उसमें मेरे पास डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए 5 सॉफ्टवेयर ही नहीं है, पीडीएफ तो ओपन हो ही जाएगी, वो तो हर मोबाइल में, हर डिवाइस में बाई डिफॉल्ट कोई ना कोई ऑप्शन रहता ही है, मेरे पास उसमें डॉक का नहीं है सॉफ्टवेयर, ऐसा हो सकता है, या मैं छोटे डिवाइस पे देख रहा हूँ, आपका सारा अलाइनमेंट खराब हो जाएगा, उसमें रीड ही नहीं हो पाएगा, मैं उसको कहूंगा इतना टाइम के इस पर चलो एग्जिट करो बाद में, पीडीएफ में ये प्रॉब्लम नहीं हो। अब चलो यहाँ पे हम पॉइंट पे आते हैं, इन चीजों को समझते हैं, मैं यहाँ पे मार्किंग पेन से, चलो देख लेते हैं पेन से भी करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है,
सबसे पहले अपनी एक फोटो अपलोड करना। जो फोटो आप यहाँ पे करेंगी वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं, मतलब समझ गए, अपनी सेल्फी नहीं अपलोड करनी है, ना ही आपको कोई पार्टी वगैरह की फुल फोटो अपलोड करनी है, ना ही ग्रुप फोटो अपलोड करनी है। मैंने बहुत से कैंडिडेट्स को देखा है, वो अपने फ्रेंड के साथ फोटो अपलोड करते हैं। अरे सीवी एक का है, एक पर्सन लगाओ और एक फ्रंट फेसिंग अच्छी सी आपकी प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए। साइड पोज भी है तो ठीक है, बट प्रोफेशनल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट बेस्ट है अगर आप उसको व्हाइट रख सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट में जा रहे हो तो बेस्ट है। ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कह रहा हूँ मैं, अगर आप इसको फिजिकली भी किसी को शेयर करोगे ना तो वहां पे भी ब्लैक एंड व्हाइट आपका प्रिंट होगा, दिक्कत नहीं आएगी। और सेकंड क्या है, आपने किसी को सीवी ईमेल किया, उन्होंने प्रिंट किया, अब हो सकता है आपने सब लाइट कलर में यूज कर दिया, येलो कलर में पूरा ड्राफ्ट कर दिया, पीडीएफ देखने में बाई चांस बहुत अच्छी भी लग रही है, बट प्रिंट लेके उसमें पढ़ना मुश्किल। आपने सॉलिड कलर्स रखे हैं ना, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लें या कलर प्रिंट लें फर्क ही नहीं पड़ता है, वहां पे उनको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मैंने कुछ कलर्स एलिमेंट, जैसे यहाँ पे इनका देख रहे हैं ना, ड्रेस के अंदर कलर है, तो उससे क्या हुआ, ये फील भी हुआ कि आपने ब्लैक एंड व्हाइट रेज्यूमे नहीं बनाया, आपने कैसा कलर रेज्यूमे बनाया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो जीएसटी मेंशन किया है इसको कलर्ड में कर दिया है, ताकि हाँ थोड़ा फील होना चाहिए कि कलर्ड भी है। आप कलर प्रिंट प्रिंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, बट अगर इसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम होना चाहिए, नेम कैपिटल में और बोल्ड अच्छा से क्लियर होना चाहिए। उसके नीचे आप अपनी पोस्ट लिखें। अगर आप फ्रेशर हैं, अभी आपने सिर्फ, मैं मान के यहाँ पे चल रहा हूँ कि आपने 16 25 कोर्सेज पढ़े हैं और 16 सर्टिफिकेट्स आपने अचीव कर लिए, ठीक है, जो हमारा डायमंड क्लब लिया है मैं उसको मान के चल रहा हूँ, बाकी आप इसको अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हो। अगर आपने, मैं मान के चल रहा हूँ आपने डायमंड क्लब कोर्स ज्वाइन करा, 25 कोर्सेज के आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, मेरे साइन किए हुए, आपके पास 16 सर्टिफिकेट्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप तब उस सीवी को प्रिपेयर कर, डन है। यहाँ पे अगर आपने जैसे स्टडी किए हैं उनको, तो आप यहाँ पे टैक्स अकाउंटेंट लिख सकते हो कि हाँ आप टैक्स अकाउंटेंट। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखनी है। ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, ये टीम का नंबर है, तो कहीं आप कॉल करो, इसमें अगर आपको कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो मेल ईमेल कर सकते हो। ये एड्रेस ऑब्वियसली मेरा नहीं है, ये वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट लिख सकते हो। सर नहीं तो वेबसाइट नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वेबसाइट प्रिपेयर करो। देखो फिर वही बात आती है, कोर्स में मैं सजेस्ट करता हूँ वेबसाइट आपकी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, वहां पे ना आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से ड्राफ्ट हो जाती है। आप अपने जैसे लाइक से आपके सर्टिफिकेट्स हैं, 16 सर्टिफिकेट्स है, उन 16 सर्टिफिकेट्स को वहां पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते। आपने किसी क्लाइंट का कोई वर्क किया था उसको वहां पे लिख सकते हो, पुराने हो सकता है आपको कोई अवार्ड्स मिले हो स्कूल में या किसी भी तरीके की, वो पिक्स आप वहां पे अपलोड कर सकते हो। क्या वो सब सीवी में अपलोड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो वो लोगों तक जो एम्प्लॉयर्स है उन तक वो बात पहुंचेगी कैसे, वेबसाइट सर। वो तो इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम प्रोफेशनल वर्क नहीं हो, लिंक्डइन पे कर सकते हैं, हाँ लिंक्डइन पे कर सकते हो, बट वहां पे इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता, वेबसाइट को आप अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हो, तो बेस्ट है वो करें। अदरवाइज आप लिंक्डइन की प्रोफाइल यहाँ पे शेयर कर सकते हो उसको वेल ड्राफ्ट करके, अगर वो भी नहीं है तो भाई फिर मत क्लिक करो, ऑप्शन ही नहीं बचा, आप क्या करोगे। यहाँ पे ये प्रोफाइल आप इसकी डिटेल मेंशन करोगे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो सारी चीजें। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अपलोड करा दूं टीम से, बट एश्योरिटी नहीं है, वीडियो के बाद में बट डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका देख लेना, ये पीडीएफ डाउनलोड कर। यहाँ पे आपके पास क्या प्रोफाइल आप एंटर करेंगे, अपने बारे में डिटेल लिखिए। ये जो डिटेल होनी चाहिए ना थोड़ी सी यूनिक होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे लाइन है कॉमन है बट थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे वही बोरिंग सीवी जो बाकी 100 लोगों ने लिखा है आपने भी वो लिख, ठीक है। अब यहाँ से आप अपनी सबसे पहले क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ना लेटेस्ट टू ओल्ड होनी चाहिए वैसे तो। यहाँ पे क्या है, जैसे आपने अगर बीकॉम है आप चाहे तो इसको नीचे मेंशन कर सकते हो और हायर एजुकेशन को ऊपर कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि मार्क्स किसी रीजन से या क्वालिफिकेशन किसी रीजन से डाउनग्रेड होती जा रही है, तो पहले आप बेटर वाली लिख दो। लेट से आपके 10th में 12th में मार्क्स ज्यादा अच्छे थे, फिर ग्रेजुएशन में उतने नहीं थे, तो बेटर है कि आप उसको ऊपर लिख दो, फिर बाकी नीचे। यहाँ पे आप अपने मार्क्स अगर अच्छे हैं तो उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे ईयर आ गए, यहाँ पे ईयर आ गए, जिस भी साल तक आपका था, कॉलेज का नेम आ गया, डिग्री आ गई, कॉलेज आ गई, डिग्री आ गई। तो यहाँ पे हमने देखो डिजाइन इसको दिया है, सारी चीजों को अरेंज किया। अब ऐसा क्यों, अगर इस चीज को आप ऐसे देखोगे, मैं मान के चलता हूँ बहुत ज्यादा तो नहीं आपको विजिबल होगा बट कुछ, अब चीजों एकदम एक सेकंड में आपके पास कुछ हाईलाइट जा रहे हैं ना, क्या प्रोफाइल आपको दिख रहा है, क्वालिफिकेशन दिख रहा है, प्रैक्टिकल स्किल्स लिखा हुआ दिख रहा है, तो मतलब उस पर्सन को, एम्प्लॉयर को जो चीज दिखनी होगी वो उसको डायरेक्टली रीड कर लेगा। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, फिर हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया 25 प्रैक्टिकल सीएपी, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं वो पर्सन, बट वो देख पा रहे हैं अच्छा इनके पास प्रैक्टिकल जीएसटी, प्रैक्टिकल इनकम टैक्स कॉस्ट, तो ये क्या है, तो हमने इन्फॉर्मेशन भी सारी सारी शेयर की है, और उसके बाद वहां पे उन चीजों को हाईलाइट कर दिया प्रॉपर डिजाइन के साथ, ताकि अगर उनको टाइम नहीं है मेन मेन चीजें पढ़नी है तो वो पहले मेन मेन चीजें रीड कर पाए। ऐसे ही यहाँ पे जो लिखा सारी चीजें भी हम देखेंगे,
यहाँ पे भी जो मेन मेन चीजें थी उनको अलग कलर से कर दिया, बाकी डिटेल को, ताकि जो डिटेल में रीड करना चाहे वो डिटेलिंग को थोड़ा सा लाइटली पढ़ना है वो लाइटली पढ़ लेंगे जिनके पास टाइम। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिकल स्किल्स, आपने जैसे 25 कोर्सेज किए हैं तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करो। आप 25 प्रैक्टिकल कोर्सेज किए हैं सीए पीयूष गुप्ता सर से 2024 में किए, 5 में किए, जब भी आप करो उस टाइम। अब यहाँ पे ये नहीं मेंशन करके क्या फायदा हुआ? देखो चांसेस है वैसे, अगर वो हायर कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट आपको, तो वो पर्सनल मतलब जानते होंगे, मेरा नेम सुना होगा, नहीं भी सुना है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि हर किसी के बारे में पता होता है, दैट्स टोटली ओके। बट यहाँ पे सीए में इससे पता चलता है कि हाँ आपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से सीखे, चाहे कोई भी सीए है वो टैक्सेशन अकाउंटिंग में एक्सपर्ट माना जाता है, तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि आपको नॉलेज बहुत अच्छी होगी। अब क्या हुआ, इसके बाद मेंशन किया प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स, सबसे पहले लिखा प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के बारे में। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा कि मैंने प्रैक्टिकल लर्निंग कोर्स में जो आपने सीखा, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सीखा, रिटर्न फाइलिंग सीखा, R1, R3, CNP 0, जीएसटी F4, जो जो भी आप सीखोगे वो यहाँ पे लिखो। अब सिर्फ इतना तो बहुत सारे लोगों के सीवी में मिल जाएगा, क्योंकि सब क्या करते हैं, स्टूडेंट्स रिटर्न फाइलिंग के पीछे भागते हैं, उतने से कुछ काम नहीं चलता, कंपनी को भी पता है। बट आपने इसके बाद क्या लिख दिया कि मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है लीगल एस्पेक्ट्स की, मुझे ITC, RCMP, प्लेस ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन स्कीम और बहुत सारी चीजों के बारे में, टैक्स प्लानिंग जीएसटी के अंदर मुझे पता है कि कैसे 30 लाख रुपीज तक का टैक्स हम सेव कर सकते हैं जीएसटी के अंदर, ये भी चीज मैंने सीखी। अब आपको सोचिए, एज एन अकाउंटेंट फ्रेशर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या ये सारी चीजें किसी और किसी भी में मेंशन होंगी? ना के बराबर चांसेस है, होगी तो शायद एक या दो, एक्सेप्ट तब उन्होंने भी वो डायमंड क्लब कोर्स करके वहां पे अप्लाई किया होगा। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपका सीवी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अब ये चीजें लगने लग रही है ना, अब वो बोल जाएंगे कि आप फ्रेशर हो, उनके माइंड में क्या जाने लग रहा है कि पर्सन के पास ना बहुत एक्सेप्शनल नॉलेज है जो किसी और कैंडिडेट के पास नहीं है, तो वो ऑब्वियसली आपको हायर करेंगे। यहाँ पे कुछ डाउट करने वाली चीज ही नहीं है। आप खुद सोचिए, मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, आपके पास 25 कोर्सेज की नॉलेज और 16 सर्टिफिकेट्स है, दूसरे के पास सिर्फ एक डिग्री और कुछ नॉलेज भी नहीं है प्रैक्टिकल, कंपनी किसको सिलेक्ट होगी आपको? कंपनी को मतलब क्या है कि वो पर्सन ज्वाइन करे जो उनको ज्यादा से ज्यादा काम करके दे सके, आपको नॉलेज है तो वो आपको हायर करेगी, सिंपल है। फिर इसके बाद आपने कहा प्रैक्टिकल इनकम टैक्स कोर्स का है, उसमें भी पहले आपने प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात कर दी कि ITR 1 से लेकर 4 तक ITR पोर्टल को यूज करना, नोटिस रिप्लाई करना, AIS, 26AS, TDS वाला जो पार्ट होता है वो मुझे आता है। फिर उसके बाद टैक्स प्लानिंग भी आती है, देखो मुझे प्रैक्टिकल भी आता है, मुझे टैक्स प्लानिंग भी आती है, और मुझे कंसेप्चुअल नॉलेज भी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने एक छोटा सा कुछ ऐसे ही सीख लिया, मुझे अच्छे से सारी चीजों की इसमें नॉलेज है। मुझे सेल, वेयरहाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, डिडक्शन, 44AD, गिफ्ट और बाकी सारे टॉपिक्स की भी नॉलेज। ऐसे ही जब टैलेंट की बात है कि मुझे प्राइम भी आता है और ERP 9 भी आता है, आपकी कंपनी में कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज होता हो मैं दोनों ऑपरेट कर लूंगा, क्योंकि आज भी बहुत सारी कंपनी पुराना ERP 9 ही यूज कर रही है, तो आप ERP 9 यूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा। और किसी कंपनी में अगर टैली यूज भी नहीं होता है और आपके पास ये नॉलेज है ना, कंपनी आपको हायर कर ले, हर कंपनी में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज होते हैं, तो वहां पे उनको क्या चाहिए कि कैंडिडेट को बेसिक नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज और वैसे नॉलेज होनी चाहिए सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करते हैं, थोड़ा बहुत होगा वो कंपनी आपको सिखा देती है, बता देती है, धीरे धीरे आप सीख जाते हो, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता ही है। अब यहाँ पे आपने लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से लिखी है, प्रोफिशिएंसी इन कंपनी क्रिएशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वाउचर एंट्री। मैं क्यों एक एक वर्ड को पढ़ रहा हूँ, ताकि आप लैंग्वेज को ध्यान रखो, आपने कुछ और सीखा है तो उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, तो उन चीजों को यहाँ पे आप लिख सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स, देखो आप डायमंड कोर्स क्लब कर रहे हो ना, तो आपके लिए तो क्या है, बेस्ट बेस्ट है, इस चीज को पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे, है ना। बट फिर भी मैं कहूंगा कि उसमें अपनी यूनिकनेस, थोड़ी अपनी स्किल्स दिखाओ, बाकी तो आपके लिए तो बेस्ट है, बेसिक बेसिक चीजें चेंज करें, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही रहना, सारी चीजें आपने सीखी होंगी, आपको कुछ लगता है मॉडिफाई करने के लिए तो मॉडिफाई कर देना, बाकी तो सब कुछ ऐसे ही चल जाएगा ये। फिर उसके बाद MXSL में मुझे वी लुकअप भी आता है, पीवट भी आता है, ये सारी चीजें आती है, माइक्रोसॉफ्ट VBA भी आता है, ये चीजें औरों को नहीं आती है। इंटरनल ऑडिट और फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में आता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक लोन के रिलेटेड आता है, AI और फॉर अकाउंटेंट्स है, गूगल जेमिनी, BingAI, ChatGPT, ये सारी चीजें मुझे आती है, टैक्सेशन प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है AI के, अच्छा EV के बारे में पता है, वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, पावर पॉइंट में 3D स्लाइड वीडियो, अट्रैक्टिव बिजनेस, सारी चीजें, MSME का आता है, इंग्लिश आता है, और इसके अलावा, क्योंकि सारी लिस्ट इस तरह से देते जाओगे तो अब दिख रहा था कि भाई थर्ड पेज से पहुंच जाएंगे, तो हमने क्या करा लास्ट में लिख दिया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल ऑफ LLP, कंपनी लॉ ऑफ अकाउंट फाइनलाइजेशन एंड मैच वर्क, कि मैंने टोटल भाई 20 कितना 25 कोर्सेज अपने सी बताओ, इतना कुछ एक सीवी में उनको मिल रहा है, क्या वो आपको हायर नहीं करेंगे? ऑब्वियसली, तो आपको पता होना चाहिए कि एक सीवी आपको कैसे यूनिक बनाना है। अब इस सीवी के बाद भी अगर आप कह रहे हो ना कि सर मैं तो फ्रेशर हूं, मुझे कोई क्यों हायर करेगा, प्रॉब्लम आपकी है कि आपका सीवी आपने स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। अब एक पर्सन सीवी लेके जा रहा है, ये आप मान के चलिए आपके वहां पे एक
कोई एक कंपनी में जॉब है, वहां पे दो जने हैं, एक पर्सन है जिसके पास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायमंड क्लब ही पढ़ती, उन्होंने स्टडी करा था, उन्होंने कुछ भी स्टडी किया, उनके पास 25 कोर्सेज की नॉलेज है, और एक आप सीवी लेके जा रहे हो जिसमें कितना, बस इतने से एरिया में आपका सीवी बन गया कि मैंने ना ये नेम है, ये मेरी स्कूल का है, ये मेरी वो है हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन है, मैंने एक कॉलोनी से टैली का कोर्स किया था और मैं जॉब कर, बाकी 100 लोगों ने भी तो यही लिखा है, तो कंपनी कैसे पता करेगी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, कि आप स्पेशल हो, बुलाएगी भी नहीं को, वो चीजें होती हैं। अब यहाँ पे आपने हाईलाइट कर दिया अपनी स्किल्स को, ये सारी चीजें तो हमने प्रैक्टिकल लिख दी, यहाँ पे हमने लिख दिया शॉर्ट में कि किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है ये पढ़ने का, तो पढ़ यहाँ से स्टडी रीड कर लो कि हमें क्या क्या आता है, तो यहाँ पे आपने इन सारी चीजों को शॉर्ट में, और यहाँ पे आपने क्या किया, एक QR कोड बना दिया, आप यहाँ बहुत सारी गूगल करोगे वहां पे वेबसाइट मिल जाएंगे, क्रिएट QR कोड, आपको क्या करना है, अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारे सर्टिफिकेट, जितने आपके बैजेस हैं वो बैजेस, जितनी आपकी मार्कशीट अगर आपको लगता है स्कूल से वगैरह की, उनकी फोटो क्लिक करके उनको एक गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देना, गूगल ड्राइव बड़े ध्यान से सुन लेना, अगर नहीं पता है टेक्निकली तो किसी की हेल्प ले लेना, यूट्यूब बाबा है उनकी हेल्प ले लेना, इन सबको गूगल ड्राइव पे अपलोड करोगे, उस पूरे फोल्डर को जो शेयर है शेयर करोगे, वहां पे सेटिंग्स चेंज करोगे, शेयर विद एनीवन विद द लिंक, ऐसा कर दोगे आप उसको, ठीक है, तभी कोई लिंक ओपन कर पाएगा उसको, फिर आप क्या करोगे उस वेबसाइट गूगल पे करोगे जनरेट QR कोड, वहां पे QR कोड बनाओगे, उस QR कोड को आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब इतनी मेहनत क्यों, इतनी मेहनत इसलिए कि कंपनी को ये ना लगे कि ये पर्सन फेक तो नहीं है, ऐसा लोगों को बिलीव ही नहीं होगा कि एज अ फ्रेशर कोई बीकॉम पास पर्सन इतनी सारी नॉलेज रख सकता है क्या, तो वो क्या करेंगे, आपको कॉल करने से पहले डाउट के कारण आपको कॉल करना ना छोड़ दें, उनको अब हमने ऑप्शन दे दिया, आपको अब भी भरोसा नहीं हो रहा ना कि इतना स्ट्रॉन्ग सीवी हमारा हो सकता है, अब मेरे सर्टिफिकेट सभी चेक कर लो, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाने से पहले आप मेरी सीवी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो सॉरी सर्टिफिकेट चेक कर लो, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके चेक कर लेंगे, उनको ट्रस्ट भी हो जाएगा आपके पूरा, इतना स्ट्रॉन्ग सीवी है, उनको सर्टिफिकेट्स आपके मिल गए, मार्कशीट्स मिल गई, सारी चीज, अब आपको कॉल ना करने का सिर्फ एक रीजन हो सकता है कि उनके यहाँ वैकेंसी ही नहीं, अगर वैकेंसी है तो वो आपको कॉल, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप अपना रेज्यूमे कितना स्ट्रांग बनाते हो, अगर आपके पास इसके अलावा और कुछ स्किल्स हैं, आपको लगता है मुझ में कोई स्पेशल टैलेंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आज भी है, तो मैं अपने जब स्टार्टिंग में सीवी मैंने प्रिपेयर करा था अपने आर्टिकलशिप में भी और वैसे भी, तो मैंने इसमें मेंशन किया कि मुझे अपने टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, और कमाल की बात है जो मुझे ट्रेनिंग पीरियड में भी एक्सेप्ट मुझे सेलेक्ट किया था, वो पर्टिकुलरली उस पर्पज से किया था, जो बाकी जैसे जो आर्टिकलशिप होती है इंटर के बाद होती है, सी इंटर तो बाकी सब भी पास आउट थे जो वहां पे आर्टिकलशिप में लेकर आ रहे थे, सबने एक बेसिक सब कुछ कॉमन था सबके में, मेरे पास क्या था कि चलो ठीक है स्कूलिंग वाले मार्क्स अच्छे थे, तो हो सकता है बाकी सबके भी अच्छे हों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे पास टेक्नोलॉजी के इंटरेस्ट था और उसकी नॉलेज थी, वो नॉर्मली सी स्टूडेंट्स के पास नहीं होती, ये यूनिक फैक्टर मिल गया, तो वहां पर उनको रिक्वायरमेंट के ऊपर मुझे सलाह, इस तरीके से आप अपनी चीजों को और ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, और फिर भी आपको बाकी सारी कुछ चीजें हो, कुछ हो तो आप कमेंट करना, ऐप देख लेना CA पीयूष गुप्ता करके, मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, वहां पर आपको हेल्प बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा, और इसका लिंक मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट कमेंट को या डिस्क्रिप्शन में अपलोड करवा दूं, ठीक है, बाय बाय।